Hi all, this is Ashutosh here and I welcome all of you to this Combining Price and Volume series part 3. हमने पिछले दो चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट को समझा है, कुछ एग्जांपल देखे हैं और अब इस चैप्टर में फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की और कोशिश करते हैं. सो लेट्स गो डायरेक्टली टू द चार्ट्स नाउ. दिस इज द केस ऑफ बजाज फाइनेंस. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस जोन. इस जोन में ये जो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, हाउ कैन वी रीड इट इन कॉम्बिनेशन विद द वॉल्यूम पीस. आप देखिए मार्केट हल्का सा ऊपर गया है एंड देन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन हियर, अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ दीज कैंडल्स सब्सिक्वेंटली अलॉन्ग विथ द प्राइस वॉल्यूम. Let's read those. I'm zooming in a little bit. तो आप देखिए ये जो कैंडल है, इट इज अ कंप्लीटली बुलिश कैंडल और एट द सेम टाइम बुलिश कैंडल के साथ आप वॉल्यूम के भी वॉल्यूम का इसका कंपैरिजन करिए. ये ब्लैक लाइन इज 20 पीरियड का मूविंग एवरेज वॉल्यूम. दिस कैंडल दिस वन ये भी वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली अपने हिस्टोरिकल वॉल्यूम से काफी ज्यादा ऊपर की तरफ आ चुका है. आप देखिए देन वी शुड बी गेयरिंग अप दैट देयर इज सम प्ले व्हिच इज गोइंग टू हैपन. कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पे. आप अगले कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, ये हल्के से गैप अप के साथ ओपन हुआ है, पूरी तरीके से मारुवुजु शेप है और वॉल्यूम इस तरीके से जंप कर गया है अपने 20 मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर की तरफ है. दिस इज वेयर इट इज. एंड सब्सिक्वेंटली आप नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, इट इज टेकिंग द इट टुक इट अप क्वाइट हाई. रेंज को ब्रेकआउट किया है इसने और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है. वॉल्यूम हमें कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा था ऊपर की तरफ जाने का और इट वॉज गिविंग अस अ सिग्नल मच अर्लियर देन वॉट द प्राइस वॉज गिविंग द व्यू. तो हमें वॉल्यूम से अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज हिडन देयर इन द वॉल्यूम वह समझने की जरूरत है. लेट्स गो टू अनदर चार्ट. हमने अभी तक बुलिश पैटर्न देखे हैं. लेट्स ट्राई एंड सी कि बेरिश पैटर्न में किस तरीके से कैंडल्स ने वॉल्यूम ने हमें इंफॉर्मेशन दिया होता. आप देखिए प्राइस वॉज मूविंग अप एंड हियर इन दिस जोन समवेयर द स्ट्रक्चर इज स्लाइडिंग डाउन. लोअर हाइज बन रहे हैं, ये और ये लोअर हाइज बन रहे हैं एंड लेट सी कहीं ना कहीं हम वी आर गेयरिंग अप. या तो प्राइस ऊपर की तरफ जाए तब हम पार्टिसिपेट करें, प्राइस नीचे की तरफ जाए तब हम पार्टिसिपेट करें और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है. ये नीचे का रेंज था और इस रेंज में अब आप देखिए इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है दैट टू विद अ गैप डाउन और ये वॉल्यूम जंप कर जाता है. द वॉल्यूम इज जंपिंग अप हियर. इफ यू नोटिस इट विद दिस कैंडल फॉर्मेशन द वॉल्यूम इज जंपिंग अप मच हायर देन व्हाट हिस्टोरिकली इट वाज और प्राइस फिर नीचे से गिरना शुरू होता है. हालांकि इट इज नॉट अ वेरी नीट वन टू रीड बट स्टिल द मैसेज विच आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट वह ये था कि वॉल्यूम जब नीचे की तरफ गिर रहा है, प्राइस जब नीचे की तरफ गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मींस दैट लार्जर पार्टिसिपेशन इज ऑन द नेगेटिव साइड. बेरिश साइड पे लार्जर पार्टिसिपेशन है और अगर लार्जर ट्रेंड बेरिश व्यू रखा हुआ है तो व्हाट वी शुड बी डूइंग, वी शुड बी पार्टिसिपेटिंग ऑन द विद अ बेरिश कोनोटेशन कि हमारा बेरिश रिस्पॉन्स होना चाहिए मार्केट में उस मूव के साथ. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक इन टुडेस चैप्टर. आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन प्रीटी क्विकली और इसी में और एग्जांपल्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज फॉर टुडेस चैप्टर. आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वन प्रीटी क्विकली. थैंक यू सो मच.